एक ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में बताएंगे जो एक बहुत बड़े लेखक हैं, विचारक हैं, समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं, एक सफल राजनीतिज्ञ रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे ना, भला एक ही आदमी में इतने सारे गुण कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब की। आरिफ साहब भारतीय राजनीतिक के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद की लालसा नहीं रही, जो अपने कर्म में विश्वास करते हैं। इसी का परिणाम है कि राजीव गांधी की सरकार में उनकी जब विचारधारा नहीं बनी तो उन्होंने उस समय केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। आरिफ मोहम्मद खान ने हमेशा मुसलमानों के वेद पर सुधार का समर्थन किया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझते हुए 3 तलाक बिल लेकर आए। उन्हीं विचारधारा पर आरिफ साहब शुरू से ही 3 तलाक जैसे रस्म का विरोध करते आए हैं। इतना ही नहीं, वह इस्लाम धर्म के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं और जो बनावटी विषय आते रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। इन विषयों पर आरिफ साहब ने कई पुस्तकें लिखी हैं और कई व्याख्यान दिए हैं। आरिफ साहब अपने छात्र जीवन से ही लेखन कार्यों से गहराई से जुड़े रहे हैं। वह वर्ष 2010 में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट कुरान एंड कंटेम्पररी चैलेंजेस के लेखक भी रहे हैं। वह इस्लाम और सूफीवाद से संबंधित लेख और स्तंभ लिखने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। अब बताइए, आपको उत्सुकता हो रही है ना जानने की कि ऐसे महान व्यक्तित्व जब राज्यपाल बने हैं तो उनके मार्गदर्शन में उस राज्य में शिक्षा में कितना बड़ा बदलाव हो रहा होगा। धीरज रखिए, जल्द ही हम आपके सामने उनकी सफलताओं पर आधारित ऐसे शॉर्ट वीडियोस लेकर आएंगे जिसे देखकर आप कहेंगे, वाह आरिफ साहब सलाम है आपको। तो चलता हूँ।